दोस्तों बात करेंगे हरियाणा सीईटी के बारे में। आपका जो करेक्शन लिंक जारी हुआ था उस पोर्टल पर दोस्तों नए ऑप्शन आ गए हैं। क्या क्या ऑप्शन आए हैं और किस तरह से आपने उनके ऊपर काम करना है, अपने डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करने हैं, ये दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये जानना आपके लिए जरूरी भी है। ईडब्ल्यूएस प्रॉब्लम दोस्तों उसका सॉल्यूशन क्या है, ईडब्ल्यूएस वालों को क्या करना है, क्या सभी को करना है अपडेट, ठीक है सभी को क्या दोस्तों अपलोड करना है डाटा, 1.80 लाख वाला मामला क्या है, 10 जुलाई 2022 से पहले क्या क्या होना चाहिए और जर्नल से ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस से जर्नल में क्या हम बदल सकते हैं, और दोस्तों इन सभी समस्याओं का समाधान एक है स्टूडेंट हेल्प पोर्टल, ठीक है। दोस्तों इस पोर्टल के जरिए आपको जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको जो है सोल्व किया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में कि जो नए ऑप्शंस आया है, ठीक है। तो यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, सोशियो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और दोस्तों एक्स सर्विसमैन, ये दोस्तों ऑप्शन एक नया क्रिएट किया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, और इन सभी ऑप्शंस के अंदर भी जो है बदलाव कर दिया है वो भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके अंदर बदलाव सभी के अंदर है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर जब हम यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखेंगे क्लेम इन ईडब्ल्यूएस, यस तो आई वांट टू फॉरगो माय क्लेम स्टेटस। पहली चीज तो ये दोस्तों, अगर आप जो है अगर आपने ये कर दिया कि आई वांट टू फॉरगो माय क्लेम स्टेटस इकोनॉमिक पे जाकर के यहां पर ऑटोमेटिक आ गया, तो यानी कि यहां पर दो ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। ये दो ऑप्शन आएंगे दोस्तों, आई वांट टू वेरीफाई माय क्लेम स्टेटस और आई वांट टू फॉरगो माय क्लेम स्टेटस, कि मैं अपना दावा छोड़ना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपने ये कर दिया तो यानी कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो है बाहर हो जाएंगे और आप जो है यूआर कैटेगरी में यानी कि जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे अगर आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया तो, ठीक है। सिर्फ ईडब्ल्यूएस से नहीं दोस्तों, जो भी अगर जिसने भी कहीं पर भी ये कर दिया कि आई वांट टू फॉरगो माय क्लेम स्टेटस, तो दोस्तों जो भी यहां पर है वो सारा आपको जो है वापसी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन दोस्तों क्या है, जब आपने यहां पर कर दिया कि आई वांट टू वेरीफाई माय क्लेम स्टेटस, ईडब्ल्यूएस का दोस्तों भी चल रहा है ईडब्ल्यूएस का, जब आपने ये कर दिया कि आई वांट टू वेरीफाई माय क्लेम स्टेटस, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, फिर आपने क्या करना है अपलोड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। दोस्तों आपने क्या करना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने अपलोड करना है, सर्टिफिकेट का नंबर और इश्यूड डेट, ठीक है। कट ऑफ डेट दोस्तों क्या, 10/7/2022 है, यानी कि ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ना, ये आपका कब तक का होना चाहिए, 10/7/2022 से पहले का होना चाहिए और वही आपने अपलोड करना है, नया बनवाकर अपलोड नहीं करना है, आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इश्यूइंग अथॉरिटी जो भी तहसीलदार है नायब तहसीलदार है, ठीक है। दोस्तों ये आपका जो है ईडब्ल्यूएस वाला मामला है कि अगर आपने जनरल में जाना है तो आपने क्या करना, आई वांट टू फॉरगो माई क्लेम, ठीक है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस में रहना है तो आई वांट टू वेरीफाई माई क्लेम स्टेटस, फिर आपके पास ये ऑप्शन, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन पे दोस्तों आपने काम करना है, सभी के लिए है ये दोनों ऑप्शन। जैसे जैसे होगा ये दोनों ऑप्शन जो सभी कैटेगरीज मतलब जितने भी हैं दोस्तों जो भी वेरिफिकेशन करनी है, आगे देख लेते हैं हम कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी के लिए, ठीक है। कास्ट कैटेगरी के ये दोस्तों स्पेशल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कास्ट सर्टिफिकेट का क्या फंडा है। अब देखो दोस्तों इसमें जब आपकी मान लिया कोई भी कास्ट है दोस्तों, जैसे आपकी बीसी बी कास्ट है, ठीक है, या आपकी एससी कास्ट है, बीसी ए कास्ट है, ठीक है, ईएसएम है या ओएच है, मतलब है, फिजिकली हैंडीकैप है, जो भी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहां पर करना, आई वांट टू वेरीफाई माय क्लेम स्टेटस, कि भाई हाँ मुझे मेरा क्लेम लेना है, ठीक है। ये जर्नल का है दोस्तों, ठीक है। यहां पर आपकी कास्ट आ जाएगी, मान लिया बीसी बी की हो तो बीसी बी आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहां पर दोस्तों आपने अपना जो कैटेगरी का बीसी बी का है तो बीसी बी वाला करना है, जो भी करना है वही सेम प्रोसीजर जो ईडब्ल्यूएस में किया था वही 10/7/2022 इसके अंदर भी डेट है, ठीक है। तो यानी कि ये अपना सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना है, ठीक। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में दोस्तों क्या है कि आपको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की दो कंडीशन है, एक तो आपके घर में सरकारी नौकरी नहीं हो, सरकारी नौकरी का मतलब यह है कि आपके घर में पहले कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी रिटायर हो चुका तब भी सरकारी नौकरी मानी जाएगी, अगर है तब भी मानी जाएगी, और कभी भी रह चुका हो रिटायर मतलब रिजाइन दे दिया हो तब भी जो है सरकारी नौकरी मानी जाएगी,
ठीक है, तो नो गवर्नमेंट जॉब यानी कि आपने कह दिया कि नो गवर्नमेंट जॉब, परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और आय जो है 1,80,000 रुपए से कम है, तो फिर आपको जो है इस केस में क्या करते हैं, 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 5 नंबर दोस्तों इस केस में आपको मिलते हैं और इसका जो है कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप जर्नल हो, चाहे आप बीसीबी हो, चाहे आप बीसीए हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने यस कर दिया तो दोस्तों आई फिर आपने क्या करना, आई वांट टू वेरीफाई माय क्लेम। ठीक है, फिर आपने ये सेल्फ अंडरटेकिंग नोज गवर्नमेंट जॉब एंड इनकम, ठीक है, तो ये दोस्तों आपने क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, इसमें क्या ये फॉर्मेट दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूं, फॉर्मेट इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट दोस्तों आपको कहां मिलेगा, ये फॉर्मेट दोस्तों आपको मिलेगा यहां पर जो मैंने डाल रखा है, एक मिनट आपको दिखा देता हूं दोस्तों ये फॉर्मेट आपको कहां मिलने वाला है। हाँ, ये फॉर्मेट दोस्तों यहां पर अपने एचएससी सीईटी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ये फॉर्मेट मैंने डाल रखा है, इस फॉर्मेट में दोस्तों आपको जो है लेना है। ये आप सर्च करेंगे एचएससी सीईटी ऑफिशियल 2022-23 तो भी मिल जाएगा, अदरवाइज इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो है आपने खुद ने साइन करने हैं, फैमिली आईडी का नंबर डालना है, ये 2-3 चीजें आपने डालनी है, अपना नाम वगैरह। ठीक है, तो फिर आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको चीजें जो है मैं बिल्कुल सारी बैक टू बैक बता रहा हूं। अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि जो आपकी हेल्पलाइन है, जैसे मैंने आपको ये चीजें तो बता दी, और भी चीजें आगे मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये एक बार हेल्पलाइन वाला बता देता हूं कि इसके अंदर क्या है कि अब आपको जो है बहुत सारे डाउट्स जो है माइंड में घूम रहे होंगे और घूमते रहते हैं दोस्तों, और इसी चक्कर में क्या होता है, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, हम बार बार किसी न किसी की वीडियो देखते हैं या कुछ ना कुछ देखते हैं, फिर भी क्लैरिफिकेशन नहीं लिखता, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, रिप्लाई नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और हम हमारी यानी कि कहीं ना कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब होती है इससे। तो दोस्तों इसके लिए जो है यही सॉल्यूशन है कि आपके को जो है एक सीटी हेल्पलाइन पोर्टल मैंने जारी कर दिया है, ये पोर्टल भी दोस्तों अपने एचएससी सीटी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया। इसमें दोस्तों आपको जो है क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, पहली चीज दोस्तों यानी कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है सीईटी के अंदर, तो वो आप बता पाएंगे आपको दोस्तों कॉल के द्वारा, मेरे द्वारा कॉल करके जो है आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है कि सर मेरा डॉक्यूमेंट सही या नहीं है, चेक करवाना है, तो आप जो है चेक करवा पाएंगे हमारे पास भेजकर। ठीक है, तो सीईटी के दोस्तों मेंस की गाइडेंस आपको दी जाएगी कि आपको जो है आगे क्योंकि नौकरी दोस्तों किसके बेस पर मिली है, जो आपका अगला पेपर होगा, ये तो दोस्तों क्या है फॉर्मेलिटी है और जो कि जरूरी है पूरी करनी, अगर यही पूरी नहीं करोगे तो फिर बाद में आपका सब कुछ रद्दी हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या। ठीक है, तो इसलिए इसमें भी दोस्तों एक एक चीज आपने ध्यान रखना, सीईटी का मेंस और हरियाणा पुलिस। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों आपको गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, कोचिंग कहाँ से लेनी है, बुक्स कौन सी पढ़नी है। ठीक है, एसएससी के बारे में अगर कोई जानना चाहता है या फिर कोई भी किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस सीईटी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर, इस सीईटी हेल्पलाइन पोर्टल पर जाकर के दोस्तों, ये जो है अभी इसके अंदर थोड़ा सा चार्ज रखा गया है 99 रुपीज का। ठीक है, तो इसके जब ये आप कर देंगे तो दोस्तों उसके बाद जो है हमारी तरफ से जो है आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको रहती है, मान लिया किसी भी चीज में, किसी भी कोई भी चीज आपने पूछनी है, तो sahilcetportal@gmail.com पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं, sahilcetportal@gmail.com। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको बता दिया कि पोर्टल पर न्यू ऑप्शन जो आ गए हैं वो मैंने आपको बता दिया। EWS का दोस्तों अभी सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताने वाला हूं, क्या सभी को करना है अपडेट। हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या सभी को करना है अपडेट, और किसी ने इसका जवाब नहीं दिया है जो आप समझ पाए रहे होंगे। तो अब देखो दोस्तों, इसके अंदर जो है पोर्टल के अंदर क्या लिखा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक चीज है, और एक है दोस्तों आपका कैटेगरी वाला। ठीक है, दो चीजें इसके अंदर दे रखी हैं, और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का मतलब क्या कि जिसने पांच नंबर ले रखे हैं उसने करना है। ठीक है, पांच नंबर ले रखे हैं दोस्तों उसने करना है, और जिसने कोई कैटेगरी का बेनिफिट ले रखा उसने करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जर्नल से कैंडिडेट है और पांच नंबर भी उसने नहीं ले रखे, जो कैंडिडेट जर्नल से है और पांच नंबर नहीं ले रखे, इसको छोड़कर जितने भी दोस्तों बच गए, आप चाहे आपका प्रोविजनल लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है,
प्रोविजनल लिखा हो या ना लिखा हो, आपने 5 नंबर ले रखे हो या नहीं ले रखे हो, लेकिन आपने कैटेगरी का बेनिफिट ले रखा हो, जैसे ईडब्ल्यूएस का ले रखा हो, बीसीबी का ले रखा हो, तो आपने क्या करना है, इस पोर्टल पे जाकर के अपना क्लेम को वेरीफाई करना कि हाँ मेरा क्लेम ये बिल्कुल सही है, मेरी कैटेगरी बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको प्रिंट प्रीव्यू में जाना है और फिर आपने जो है उस पर साइन करके प्रिंट प्रीव्यू पे फिर जो है अपलोड कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि ये सभी के लिए जरूरी है, जिसने जर्नल से है और 5 नंबर नहीं ले रखे उन्होंने दोस्तों सभी ने ये करना है। ठीक है, और उसमें लिखा क्या गया है, कंपल्सरी वर्ड यूज किया गया है, जिनके आगे प्रोविजनल लिखा हुआ है या जिसने जो है प्रोविजनल लिखा हुआ है और एक वर्ड लिखा हुआ है कि जिसने वापिस लेने हैं, विड्रॉ करने हैं अपने मार्क्स। ठीक है, लेकिन एक वर्ड दोस्तों इसके अंदर यह भी लिखा गया है कि वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई भी आपने करना है। ठीक है, वेरीफाई भी आपने दोस्तों इसके अंदर करना है। अब 1,80,000 वाला जो मामला दोस्तों, ये आपकी इनकम 10 जुलाई 2022 से पहले की देखी जाएगी। ठीक है, 10 जुलाई 2022 से पहले की। फैमिली आईडी दोस्तों, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए आपका 10 जुलाई 2022 से पहले। फैमिली आईडी में इनकम, ठीक है, अगर आपके, क्योंकि फैमिली आईडी की इनकम दोस्तों जो वेरीफाइड डेट होगी उसी को, क्या पता वो अगस्त में हुई है, किसी की सितंबर में हुई तो वही दिखेगी। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास पहले का होना चाहिए और 12वीं की डीएमसी होनी चाहिए आपकी 10 जुलाई 2022 से पहले की। ठीक है, जर्नल से ईडब्ल्यूएस में नहीं जा सकते, ईडब्ल्यूएस से जर्नल में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, जब अपना आपने करना कि आई वॉन्ट टू फॉरगो माई क्लेम, ठीक है, तो फिर आप जो है ऑटोमेटिक जर्नल में चले जाओगे। ठीक है, कोई भी कैटेगरी वाला जर्नल में इस तरह से जा पाएगा अगर उसको जर्नल में जाना है तो। आगे देख लेते हैं दोस्तों, फैमिली आईडी में दोस्तों क्या क्या है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बेटा है। ठीक है, ये सारे दोस्तों एक तरह से फैमिली की, जो जैसे मैरिड होने के बाद तो जो है अगले, जैसे लड़की के आगे वाले देखे जाएंगे, सास ससुर वगैरह। ठीक है, तो यानी कि इसके अलावा जो मतलब जैसे होते हैं कि भाई पूछते हैं दादा दादी, ठीक है, तो दोस्तों ये फैमिली आईडी में नहीं आते हैं, दादा दादी फैमिली आईडी में नहीं इंक्लूड होते हैं। अगर सपोज दादा की जो है पेंशन जो है आ रही है, अगर दोस्तों पेंशन आ रही है फैमिली आईडी में, क्योंकि ये फैमिली आईडी की एक है, तो इसकी जो पेंशन है फैमिली आईडी के अंदर आएगी, तो इससे क्या हो रहा है कि फैमिली आईडी की जो इनकम है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो जाती है इससे। ठीक है, तो यानी कि अल्टीमेट होगा क्या कि फैमिली आईडी की इसे इनकम उठाई जाती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आपके, दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि अगर आपने फैमिली आईडी अपने मम्मी पापा से अलग भी करवा ली तो भी उसका बेनिफिट आपको नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर साथ में है तब भी तो उसका बेनिफिट जो है इनकी इनकम को इंक्लूड नहीं करना, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों इनकी इनकम नहीं मानी जाएगी जो इनकी इनकम है, तो इसलिए आप अपना, भाई मेरी तरफ से ये राय है कि आप अपना क्लेम वापस न लें, क्योंकि दादा दादी की इनकम को इनकम नहीं माना जाएगा, मम्मी पापा और इनको सबको इनकम माना जाएगा। ठीक है, जो इनकम इनकी है दोस्तों वही इनकम आपकी जो है काउंट होगी। ठीक है, अगर आपने कुछ भी दोस्तों गलत क्लेम किया, कुछ भी अगर आपने गलत क्लेम, तो दोस्तों 3 साल से आप जो हैं एचएससी से बाहर हो जाएंगे, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया है कि हम आपको पेपर, तो ये सीटी मेंस का तो दोस्तों आपको कैंसिल होगा ही होगा, अगले 3 साल तक भी आप हरियाणा का कोई भी पेपर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप कुछ भी फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं तो। अगर दोस्तों वही मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों को इस तरह कोई भी समस्या आती है, ठीक है, तो आप जो है इसको सिटी हेल्पलाइन पोर्टल को आप ज्वाइन कर सकते हैं 99 रुपीज के अंदर। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाला मामला। ईडब्ल्यूएस दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 22-23 का आपका होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब होता है, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। ठीक है, तो यानी कि एक, इसका मतलब क्या होगा कि 1 अप्रैल 2021 से दोस्तों 31 मार्च यानी कि 1 साल के बीच में जो है ये इनकम भी इसी की देखी जाएगी, 1,80,000 से कम है या नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे 2-2 साल की देखी जाए, नहीं, 1 साल की। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 2022 से फिर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 10 जुलाई 2022 तक की देखी जाएगी कि आपकी इनकम कहीं इसमें तो नहीं ज्यादा हो गई। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से आपने जो है दोस्तों काम करना है। ठीक है,
6 लाख से आपकी इनकम कम होनी चाहिए और हरियाणा गवर्नमेंट का होना चाहिए आपका, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को के ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है जो उनको सॉल्यूशन करने की, फिर भी दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लगता क्योंकि अलग अलग जो है कैंडिडेट की अलग अलग जो है लेवल पर पर्सनल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों ये जो मैंने आपको पोर्टल बताया है स्टूडेंट हेल्पलाइन, ये दोस्तों पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था और जिस जो कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए थे उन्होंने इसका लाभ भी लिया है। तो अभी दोस्तों 99 का हो सकता है इसका जो है हम इंक्रीज भी कर देंगे इन फ्यूचर में चल के। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जो भी आपके कमेंट्स हैं वो एक बार कमेंट करना, फिर दोस्तों उन कमेंट्स को देखकर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी कि आखिर आपको क्या क्या क्यूरी रहती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।